सो फ्रेंड्स, आज मेरी एनिवर्सरी है। आप लोग चाहो तो मुझे विश कर सकते हो। आप लोग को बताऊँ, मेरी 4 एनिवर्सरी हुई अब तक की, और चारों एनिवर्सरी ऐसी यादगार मनी है ना कि आप लोग सोच नहीं सकते हो। पहली एनिवर्सरी मेरे ससुराल वालों के साथ मनी, दूसरी एनिवर्सरी मेरे मायके वालों के साथ मनी, और तीसरी एनिवर्सरी मैं अकेले रो रो के मनाई। क्यों? वो इसलिए कि मेरे जो हस्बैंड है वो मुंबई में थे और मैं नासिक में थी, इसलिए हमने तीसरी एनिवर्सरी नहीं मनाई। और चौथी एनिवर्सरी में ना मेरे ससुराल वाले थे ना मेरे मायके वाले थे, सिर्फ हम दो और हमारी एक बेटी, हम तीनों ने एनिवर्सरी मनाए। सो आप आगे देख सकते हो। सो हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, आज का ये छोटू सा ब्लॉग होने वाला है, जो कि आज बहुत ही खास दिन है। जैसे कि आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आज है हमारी एनिवर्सरी, तो स्पेशल डे है। जी हाँ, हमारा स्पेशल डे है, तो मैंने सोचा ये छोटू सा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो हम चलते हैं बिरयानी बनाने के लिए, और ये पीछे जो भी पड़े हैं ध्यान मत दो उस पर। तो चलो, आप लोग हमारे किचन में चल सकते हो। चलिए आप, ओ भाई पीछे का नज़ारा मत देखो, ये मुंबई के घर ऐसे ही रहते हैं, घर में ही सारे कपड़े सूखते हैं। एक दिन आप लोगों को मैं अपने घर का ब्लॉग ज़रूर शेयर करूँगी, दिखाऊँगी कि हम लोग कैसे रहते हैं। ये पता नहीं क्यों फेस पे से धुंधला धुंधला आ रहा है, मेरा मोबाइल ही ख़राब हो गया। सो गाइस, मैं अभी आ गई हूँ अपने किचन में। मेरा किचन कुछ इतना ज़्यादा खास नहीं है, ये क्या करें, इधर मुंबई में ऐसे छोटे से किचन होते हैं। ये किचन है और इसके पीछे लेटरिन, ये लेटरिन, और इधर है ये बाथरूम, और इसी के जस्ट सामने है मेरा किचन। तो चलो हम बिरयानी बनाने की तैयारियाँ करते हैं। अभी मैं टाइम बता देती हूँ, अभी टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं, तो मुझे जल्दी से जल्दी बिरयानी बनाना है, तो फिर इसीलिए मैं अभी से बनाना स्टार्ट करती हूँ, ताकि 9 बजे से पहले पहले बिरयानी बनकर रेडी हो जाए। तो आज थोड़ा सा बिरयानी बनाना था, तो हम लोग सोचे राशन वाले चावल को साइड करते हैं और बासमती चावल से आज बिरयानी बनाते हैं। तो इसीलिए हम किचन में थे, अब किचन से हम आए हैं घर में, मतलब मेरे रूम में। तो अभी सोचा कि खड़े खड़े क्या लहसुन छीलूँ, जाके बैठ के छिलती हूँ आराम से और बात करती हूँ। ओह शिट, ये क्या दिख गया, इग्नोर, देखने का नहीं, साइड हो जा। तो बैठे बैठे छिल लेती हूँ लहसुन, फिर उसके बाद जाएंगे, कुछ जो करना होगा करेंगे, बिरयानी का आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो अभी हम बैठे हैं, और मेरा कैमरा बहुत अच्छी जगह पे मैंने लगा रखा है, जो कि है मेरी बेटी का साइकिल। साइकिल के ऊपर जो एक बास्केट होता है ना आगे, तो बास्केट के ऊपर मैंने अपने कैमरे को सजा दिया है, तो जिसकी वजह से मैं आप लोगों को अपना हाथ खोल 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 के बात कर रही हूँ। तो चलो, लहसुन छिला जाता है। तो वैसे तो ज़रूरी नहीं है आप लोगों को लहसुन दिखाना कि लहसुन कैसे छिलते हैं, लेकिन चूँकि ये ब्लॉग बनाना है तो मैं दिखा देती हूँ। ये बड़ा बड़ा लहसुन है जिसे मैं अभी छिलने जा रही हूँ। जी हाँ, अभी छिलूँगी उसको, फिर उसके बाद दिखाएंगे हम क्या करना है, ठीक है। तो अभी मैंने कितना 3 लहसुन छिल दिया है, ठीक है। अभी धीरे धीरे करके बहुत सारा लहसुन छिलना है, तो आप लोग तो नहीं आना चाहोगे, लेकिन फिर भी मैं लोगों को बुला रही हूँ कि अगर कोई लहसुन छिलने में मेरी मदद कर सकता है तो मेरे घर आ सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा यहाँ पे थोड़ा सा चेहरे पे मेकअप थोपा जाए, इसलिए थोड़ा सा तैयार हो रही हूँ मैं, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी बर्थडे शोना, बस बस हो गया। ओ नहीं, ले शेक का मिट गया, रुक जाओ, मम्मा भी काटेंगे, हम तीनों काटेंगे। मुझे एक केक नहीं पकड़ा था, ठीक। हाँ हाँ हाँ, हैप्पी बर्थडे। अल्लाह, सोना मत, एक साइड से खाओ ना प्लीज। अल्लाह, चावल दाल चावल खा रही है, ये ले रहे। खाओ, देख पापा खिला रहे, प्लेट लेकर आ। रुक बाबू, पापा काटते हैं ना बेटा,
देखो यार। सो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा प्यारा सा ब्लॉग, और खाने में आप लोगों को पता ही था बिरयानी बनने वाली है। गाइज, आप भी आओ हमारे साथ बिरयानी खाने। आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग प्लीज़ बताना, और प्लीज़ सपोर्ट करना। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। अब मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।